गुड इवनिंग टू एवरीवन स्वागत है आप सभी का एग्रीमेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे जैसा कि आप सभी जानते हो कि रिसेंटली वन वीक पहले एच डी ओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हरियाणा का एग्जाम हुआ था उस रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों के काफ़ी डाउट्स भी थे और इसके बाद एच की तरफ से परसों ही आंसर की रिलीज की गई है जिसमें भी बच्चों के काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं कि उसमें का, काफी सही क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर गलत है या फिर कुछ क्वेश्चन का आंसर उन्होंने किस प्रकार से दिया है तो आज हम अपने सारे के सारे डाउट्स उसे रिगार्डिंग क्लियर करेंगे कि कौन कौन से आंसर्स गलत हैं किस किस में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो प्लस आपके ऑब्जेक्शन लगाने के टाइम पे आपको जो प्रूफ चाहिए जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो भी हम आपको बता रहे हैं साथ में कि, कि किस क्वेश्चन का क्या प्रूफ आपके साथ बनता है कौन सा क्वेश्चन आपका अकॉर्डिंग टू आंसर की सही है या कौन सा गलत है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की हाइएस्ट अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप तो इस क्वेश्चन में काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे प्लस उनका डाउट ये था मेनली कि इसके अंदर हम सोर्स क्या लगाएं क्योंकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं ब्रिंजल है पोटैटो है पॉइंटेड गर्ड है एंड पी है, है हमारा जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा था वो ब्रिंजल एंड पॉइंटेड गर्ड से हो रहा था क्योंकि एचपीएससी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट right आंसर है वो पॉइंटेड गर्ड है बट मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर जो है वो ब्रिंजल किया है अब अगर हम बात करें कि इसका एक्चुअल में सही आंसर क्या है तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में इसका जो सही आंसर है वो ब्रिंजल ही है बिकॉज Uh, इसके साथ आपका प्रूफ भी ऐड है कि कैसे आप इसको क्लैरिफाई कर सकते हो प्लस ऑब्जेक्शन के टाइम पे आप कैसे इसके सोर्स को जो है वहां पे लगा सकती हो तो अगर हम फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो पॉइंटेड uh, गर्ड को वैसे कि आप जैसे कि आप सभी जानते हो कि किंग ऑफ गर्ड्स भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स हाई फाइबर कंटेंट एंड हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय वैल्यू इसी वजह से इसको किंग ऑफ गर्ड्स भी बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में हम इसको परवल भी बोलते हैं बट अब बात आती है कि इसमें कितनी अमाउंट में फाइबर कंटेंट है और ब्रिंजल में इससे ज़्यादा है या कम है तो अगर हम इसके फाइबर कंटेंट की बात करते हैं तो पॉइंटेड गढ़ के अंदर जो है वो अगर हम 100 ग्राम फ्रूट की बात करें तो इसमें 3 ग्राम जो है वो फाइबर कंटेंट प्रेजेंट है एज अ रा वेजिटेबल के अंदर 3 ग्राम जो है वो पॉइंटेड गढ़ के अंदर फाइबर कंटेंट है पर 100 ग्राम ऑफ द फ्रूट या वेजिटेबल बट अगर हम ब्रिंजल की बात करते हैं तो ब्रिंजल में जो है फाइबर कंटेंट 3 ग्राम से लेके 3.8 ग्राम तक प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू यूएसडीए तो इसके अकॉर्डिंग जो एचपीएससी का आंसर है जिसमें उन्होंने पॉइंटेड गढ़ को बताया हुआ है सही है वो हमारा गलत हो सकता है गलत भी है क्योंकि पॉइंटेड गढ़ का कम है ब्रिंजल का ज्यादा है या तो दोनों ही ऑप्शन सही होनी चाहिए या फिर आपका ब्रेंजल इस क्वेश्चन का जो है वो राइट right आंसर बनता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रूफ्स की बात करते हैं तो एक तो हैंडबुक ऑफ वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें पॉइंटेड गढ़ के अंदर बताया हुआ है कि पॉइंटेड गढ़ का जो फाइबर कंटेंट है वो थ्री ग्राम है और इस बुक के अंदर 134 नंबर पेज पे पॉइंटेड गढ़ का बताया हुआ है आप इसको एज अ प्रूफ लगा सकते हैं इसी के साथ अगर हम सेकंड बात करते हैं सेकंड सोर्स की तो वो आपका यूएसडीए की न्यूट्रंट वैल्यू है ब्रिंजल के अंदर जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें टोटल डायट्री फाइबर जो है ब्रिंजल में वो थ्री ग्राम है बट मैक्सिमम जो है वो थ्री पॉइंट एट तक होता है तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिंजल भी हम ब्रिंजल हमारा जो है वो एग्जैक्टली राइट आंसर है क्योंकि पॉइंटेड गढ़ में तो अप टू अपू थ्री ग्राम था बट ब्रिंजल में अप टू थ्री पॉइंट एट ग्राम है तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर जो है वो वहां पे गलत हो जाता है ब्रिंजल इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है अकॉर्डिंग टू दैट ऑथेंटिक कंटेंट तो इसके लिए आप ऑब्जेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकती हो उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वरायटी ऑफ ओकरा इज रेजिस्टेंट टू वेन मोजैक वायरस फॉलोइंग में से कौन सी वरायटी जो है ओकरा की रेजिस्टेंट है टू द वेन मोजैक वायरस तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो आपको पता है कि प्रभानी क्रांति जो कि इम्पॉर्टेंट ओकरा की डिजीज रजिस्टेंट वरायटी है सभी ने इसका आंसर ऑलमोस्ट यही लगाया है बट अकॉर्डिंग टू द आंसर की इसका आंसर जो है वो हिसार उन्नत बताया गया है जो कि अगेन गलत है गलत तो नहीं हम बोलेंगे इसको क्योंकि इसमें दोनों ही वराइटीज इस उन्नत एज वेल एज प्रभानी क्रांति दोनों ही वाई वी एम वी के रेजिस्टेंट हैं बट अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करते हैं तो या तो दोनों ही राइट बनते हैं या फिर हमारा जो है प्रभानी क्रांति भी सही है एंड हिसार उन्नत भी सही है तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सोर्स है वो वहां पे लिखा हुआ है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की साइट पे जो है दोनों वराइटीज का मैंशन है कि दोनों ही जो है वो वाई वी एम वी के रेजिस्टेंट है तो इसके लिए आप इसकी भी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो जिसमें एचपीएससी का ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग बनता है उसके बाद हम अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये आपका है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसिस इसमें लिखा हुआ है कि Uh, यहाँ पे है आपका दोनों वराइटीज का यहां पे मेंशन है प्रभानी क्रांति का भी और आपका हिसार उन्नत का भी ये दोनों की दोनों जो है वो वाई वी एम वी के रेजिस्टेंट वराइटीज हैं तो इसको आप एज अ प्रूफ वहां पे लगा सकती हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ग्रीन हाउस कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स 40 टू 60 परसेंट रेलेटिव इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट वन इज कंसल्ट्रेशन ऑफ सी ओ टू इन ग्रीन हाउस इज थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड पीपीएम फॉर द इज रिक्वायर्ड अब बोला गया है कि दोनों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं

ये लगा सकते हो इसका जो सोर्स है इसको आप इसमें लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अमाउंट है वो 50 टू एट्टी परसेंट है वहाँ पे 40 टू 60 था जो कि इस रेंज के बिटवीन ही आ रहा है तो इसको हम टोटली गलत नहीं बोल सकते क्योंकि अगर हम 80 परसेंट तक ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो इससे तो डिजीज़ वगैरह का डिजीज वगैरह कॉज ज़्यादा होंगे ग्रीन हाउस के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो डिजीज़ का भी जो है अटैक बढ़ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग इतनी ह्यूमिडिटी तो नहीं पॉसिबल है फोर्टी टू सिक्सटी उसकी आइडियल रेंज है बट अगर हम यहाँ पे 50 टू 80 की बात करते हैं तो दोनों रेंजेस 50 और 60 भी हमारे क्वेश्चन के अंदर ही आ रही हैं तो उस ऑप्शन को हम टोटली रॉन्ग तो नहीं बोल सकते हैं या तो वो ये भी सही होगा या वो 50 50 बोल सकते हैं दोनों को बट दोनों हमारा फर्स्ट को टोटली हम रॉन्ग नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्शन लग सकता है इस सोर्स के अकॉर्डिंग आपका लिंक है यहाँ पे इसको आप वहां पे एज अ सोर्स लगा सकते हो आपका जर्नल ऑफ फार्मी एंड फाइटो के अकॉर्डिंग जो है आपका लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉइइंग स्टेटमेंट सेफरन इन इज नेटिव टू इंडिया एंड नेक्स्ट है शाही सेफरन इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ सेफरन अब इस क्वेश्चन में बच्चों के काफी डाउट्स आ रहे थे कि सैफरन का ओरिजन क्या है इसका क्या आंसर जाएगा बट एच पी एस सी की अगर हम मानें तो उसने जो है वो इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑप्शन को रॉन्ग किया है सेकेंड को जो है वो सही किया है अगर हम सेफ्रन के ओरिजिन की बात करते हैं तो बहुत कम जगह पे इसका ओरिजिन लिखा हुआ है जिसमें भी उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि इसका एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है इंडिया है या फिर किसी और को मेडिटेरियन या किसी ओरिजिन को बोला गया है बट अगर हम स्पाइसिस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं वहां पे उन्होंने सेफ्रन के बारे में लिखा हुआ है कि सेफ्रेन का जो ओरिजिन है वो आपका सेफ्रन इज नेटिव ऑफ सदर्न यूरोप एंड कल्टिवेटेड इन मेडिटेरियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इन स्पेन ऑस्ट्रेलिया सारा जो है इसका बताया गया है कि इसका ओरिजन है But इसमें भी आपका जो है वो वैसे तो ऑब्जेक्शन नहीं बनता है बट फिर भी हम इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन नहीं है आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया था कि इसका ऑरिजन हम इंडिया नहीं मान सकते यहाँ पे टोटली क्योंकि स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने ही बोल दिया है कि इसका ऑरिजन इंडिया नहीं है बट कुछ बुक्स में कुछ जगह पर इसको इंडिया लिखा हुआ है तो वो भी हमारा जो है वो गलत है उस केस में इसका जो ओरिजन आएगा वहाँ पर हमारा सदरन यूरोप या मेडिटेर कंट्रीज ही इसका जो है वो ओरिजन है आपके सेफरन का अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन जो थी शाही सेफरन जो है वो सैफरन का ही नंबर वन ग्रेड है तो वो का राइट है यहां पे। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन इज लार्ज कार्डेम इज सन लविंग प्लांट नेक्स्ट वन इज लार्ज कार्डेम इज शेड लविंग प्लांट उसके बाद बताया गया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आप सभी को अच्छे से पता है कि मोस्ट ऑफ द स्पाइस क्रॉप्स मेनली जो है वो आपकी शेयर लविंग प्लांट्स हैं सायोफाइट्स हैं जिनको हम शेड लविंग प्लांट्स बोलते हैं बट एचपीएससी ने इसको बोला है सन लविंग प्लांट जो कि टोटली रॉन्ग है और इसके लिए आप हंड्रेड ऑब्जेक्शन लगा सकते हो तो एचपीएससी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट right आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एंड रियलिटी में इसका जो राइट right आंसर है वो स्टेटमेंट नंबर टू है तो इसी वजह से इसका राइट right आंसर जो आएगा वो आएगा स्टेटमेंट वन इज इन करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ये इसका राइट right आंसर है बट एच पी एस सी ने इसका जो राइट right आंसर है वो आपका स्टेटमेंट सी को बोला है जो कि गलत है तो इसके लिए आप सोर्स लगा सकते हो इन हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो आई सी आर की बुक है उसमें पेज नंबर थ्री एटी एट थर्टी वन पे हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट टू है उसके पेज नंबर एट थर्टी वन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है इट इज अ शेड लविंग प्लांट आयोफाइट्स ग्रोन इन द ट्रैक्स ऑफ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन वगैरह सारा कुछ तो ये लार्ज गार्डन मैम के अंदर था हैंडबुक ऑफ हॉटिकल्चर के अंदर जो कि आपका ऑब्जेक्शन के लिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन रेज हो गया प्लस विद विद इसका ऑथेंटिक प्रूफ भी आपको मिल गया है तो इसको भी आप साथ में लगा सकती हो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फोटोसेंसिस अक्कर इन क्लोरोप्लास्ट ये आपको पता है बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज क्रायो प्रिजर्वेशन इज एसोसिएटेड विद लिक्विड अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें भी काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे उन्होंने बोला कि क्रायो प्रिजर्वेशन वाला बिल्कुल सही है इन्होंने इसको गलत किया हुआ है एच बी एस सी के आंसर की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने आंसर बताया है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकोरेक्ट जो कि एक्चुअल में सही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी डाला हुआ था इसमें जस्ट एक वर्ड की वजह से इसका ऑप्शन नंबर टू जो था वो इनकोरेक्ट हो गया वो क्यों क्योंकि क्रायो प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिक्विड नाइट्रोजन और सॉलिड सी को सी को जो है वो इसमें प्रिजर्व किया जाता है किसी भी सीड को तो यहाँ पे लिक्विड सी लिखा हुआ था अगर सॉलिड लिखा होता तो 100 परसेंट ये सही था बट यहाँ पे लिक्विड वर्ड है तो ये हमारा रॉन्ग है यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग भी आपके पास आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए तो उसके लिए भी आपके पास जो है वो आ, इसका सोर्स है यहाँ पे जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है आ, क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ टेक्नोलॉजी ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स एट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर सम टाइम्स इन सोलड सीओ टू जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं एट माइनस एटी डिग्री सेल्सियस और टिपिकली इन लिक्विड नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन लिक्विड है बट जो सीओ टू है वो ड्राई है तो इस केस में हमारा जो है एचपीएससी का ये आंसर बिल्कुल राइट है इसके लिए आप ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं लगा सकते तभी आपको यहाँ पे ऑथेंटिकली बता दिया गया है कि इसको ऑब्जेक्शन में क्यों नहीं रखा गया है इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं ये आपका गेन जो है वो सेकेंड इसका है सोर्स नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मलिका इज ए हाइब्रिड वरायटी ऑफ मैंगो रिलीज बाय आईसीआर अरका अरुणा इज अ हाइब्रिड वरायटी ऑफ पॉम ग्रेनेट रिलीज बाई आई एच आर ये आपका गलत है क्योंकि अरका अरुणा जो है वो पॉम ग्रेनेट की नहीं मैंगो की ही हाइब्रिड वरायटी है बट मलिका जो है वो Mango की वैरायटी तो है इसको आईसीआर आईएआरआई के द्वारा रिलीज किया गया है बट एचपीएससी के आंसर की में दोनों ही ऑप्शंस को इनकरेक्ट बोला गया है जो कि नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम बात करते हैं आईसीआर के आई की वो आईसीआर के मेन कैंपस का ही पार्ट है तो वहीं से वैरायटी रिलीज हुई है तो या तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना या फिर यहाँ पे जो है वो इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है मतलब कि क्वेश्चन को या तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा या फिर इसको हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं तो इस केस में भी हमारे पास इसका प्रूफ है कि कैसे हम इसका प्रूफ लगा सकते हैं तो ये आपका इसका प्रूफ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अम, जो है नीलम मल्लिका स्टार्टर्ड विद ये आपका जो है वो न्यू दिल्ली आईसीआर इंडियन रिसर्च ऑफ यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारा का सारा तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको आप एज अ प्रूफ लगा सकते हो जो कि अगेन आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड या आईसीआर की साइड से ही मिल जाएगा किसके मल्लिका के बारे में क्या लिखा हुआ है इसका प्रूफ क्या है कहाँ से मतलब आई सी आर आई आर आई सी रिलीज है तो इस प्रकार से आप इसको गलत नहीं मान सकते हो इस ऑप्शन को तो ये आपका ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन बनता है अगेन तो इसमें आप ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सकते हो उसके बाद नेक्स्ट आता है Consider the following statements. Pusa Delicious and Pusa Majesty are gyno varieties. Pusa Dwarf and Pusa Nanna are diocese varieties. इसके अलावा नेक्स्ट आता है CO3 थ्री एंड सी ओ फो आर हाइब्रिड वरायटीज़ अब यहाँ पे बोला गया है अब एच की वैसे तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही हैं तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं क्योंकि सारी जो है वो पपाया की ही वरायटीज़ हैं प्लस उनका डिस्क्रिप्शन भी जो है वो बिल्कुल सही है बट एच के अकॉर्डिंग सी ओ थ्री एंड सी ओ फोर को जो है वो गलत बताया हुआ है कि ये पपाया की हाइब्रिड वरायटीज़ नहीं है जो कि एक्चुअल में है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगता है आपका एचपीएससी ने बोला है कि स्टेटमेंट वन एंड टू ही करेक्ट हैं, बट एक्चुअल में इसका जो राइट right आंसर है वो तीनों ही राइट right बनती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके ऑथेंटिक सोर्स की या प्रूफ की बात करते हैं तो ये आपका टीएनयू की साइड पे लिखा हुआ है कि सीओ थ्री एंड सीओ फोर प्लस इनका क्रॉस भी है यहाँ पे कि ये आपका क्रॉस बिटवीन सीओ टू एंड सन राइज ऑलो है इसके अलावा ये आपका सीओ वन एंड वाशिंगटन जो है इसका क्रॉस है सीओ थ्री एंड सी ओ फोर दोनों की दोनों आपकी हाइब्रेडराइटीज हैं प्लस दोनों टीएनयू से रिलीज है आप, आपके टीएनयू से रिलीज है प्लस उसकी साइड पे मैंशन है तो इसको आप जो है वो ऑब्जेक्शन इसकी क्रिएट कर सकते हो विद्यान ऑथेंटिक प्रूफ तो ये आपको यहाँ पे इसका आइडिया मिल गया है उसके बाद आता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उन्होंने पता नहीं कैसे गलत कर दिया कीवी फ्रूट इज अ डैश तो इसमें ऑप्शन सी एवरग्रीन श्रब डेसीडियस ट्री एवरग्रीन वाइन या डेसीडियस वाइन अकॉर्डिंग टू एच पी आंसर की इसको बोला गया है कि एवरग्रीन वाइन सही है जो कि टोटली रॉन्ग है क्योंकि आप सभी जानते हो कि की कीवी जो है एक रोजेसी फैमिली का टेम्परेड फ्रूड क्रॉप है जो कि आपको पता भी है कि जितने भी टेम्परेड फ्रूड क्रॉप्स हैं तो फैमिली के फ्रूट्स हैं वो सारे डेसीडियस ने एक दो को छोड़ती तो है पढ़ते भी हैं कि आपका जो लोकाट है वो एवरग्रीन है प्लस वो आपका एवरग्रीन भी है प्लस तो साथ में जो है वो डेसीडियस नहीं है दूसरा वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट है टेम्परेट फ्रूट नहीं है बट टीवी जो है वो रोजेसी का ही है टेम्परेड भी है प्लस डेसीडियस भी है तो इसी प्रकार से इसका एच का ये क्वेश्चन का आंसर भी गलत है इसका एक्चुअल में जो राइट आंसर आएगा वो डेसीडियस वाणी आएगा तो अभी हम बात कर रहे थे तो इसका जो राइट right आंसर आएगा वो आएगा, जो जो कि कि नहीं होना जो में इसका right answer है, बट तो ये बिल्कुल भी नहीं है तो इसके according ये हमारा gain objection का question बनता है। वॉइस uh, जो प्रॉब्लम थी वो आपकी अब ठीक हो चुकी है तो प्लीज सेशन पे फोकस करो क्योंकि वो आपका टेक्निकल थोड़ा सा एरर जो था वो आ गया था तो अभी हम इसकी बात करते हैं इसका सोर्स अगर आपने प्रूफ लगाना है तो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो पार्ट वन है उसका पेज नंबर 328 पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है इट इज अ डेसिडियस फ्रूटिंग वाइन तो इसको आप एज अ प्रूफ लगा सकते हो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का पार्ट वन का पेज नंबर जो है वो 328 है जो कि इस क्वेश्चन के लिए प्रूफ बनता है इसकी ऑब्जेक्शन लगाने के लिए तो ये आपका गेन जो था वो एक इजी सा क्वेश्चन था जो उन्होंने बिल्कुल ही उसको गलत बता दिया है उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेटमेंट तो है ऑरेंज कलर इज कंसिडर्ड एज ए वो अब इसमें बताया गया है कि कितनी स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द एच पी एसर की उन्होंने बोला है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है जो की अगेन कॉन्ट्रोवर्सल क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन के लिए हम इसको डाल सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोर्स अगर हम ओथेंटिक सोर्स की बात करते हैं तो ऑरेंज कलर इज कंसिडर एज अ कलर बिल्कुल सही है साइनो को बेलामाइन इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन बी ट्वेल्व तो ये भी सही है तो इसके लिए हमारा जो राइट right आंसर बनता है वो बनता है ओनली टू स्टेटमेंट्स तो इसमें आपका ऑब्जेक्शन के लिए जो प्रूफ है वो क्या है फ्लोरिकल्चर इन इंडिया जो बुक है उसका पेज नंबर सिक्सटी फोर उस पर लिखा हुआ है रेड ऑरेंज एंड येलो आर कंसिडर एज हार्ड और वार्म कलर्स तो एक तो आपका ये हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सोर्स की तो नेक्स्ट आपका है हैंड बुक ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स जो कि डॉक्टर मेजर सिंह धालीवाल एम एस धालीवाल की बुक है जो कि आपका वेजिटेबल साइंटिस्ट है पीए यू के अंदर तो वेजिटेबल ब्रीडर भी हैं वे साइंटिस्ट भी हैं डायरेक्टर ऑफ वेजिटेबल साइंस भी वो अपॉइंटेड रहे हैं तो उनकी बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है कि वाइटामिन बी ट्वेल्व जो है वो उसको दोनों ही उसके नाम है साइनो कोबेलेमाइन और दूसरा कोबेमाइन तो इसके अकॉर्डिंग हमारी दोनों स्टेटमेंट सही है बट एचपीएससी ने ओनली वन स्टेटमेंट को सही बोला है तो ये दोनों तो दो हमारी सही ही है प्लस इसके अलावा आपका ये भी क्लियर हो रहा है कि इसको रेटिनॉल नहीं बोलते हैं वाइटामिन डी को तो भी आपका जो है वो यहाँ पे क्लैरिफाइड है तो अगेन ये आपका क्वेश्चन जो है वो विद ऑब्जेक्शन आप इसको क्रिएट कर सकते हो इसका पेज नंबर जो है वो आई थिंक फाइव नंबर पेज है ऊपर प्रवेंशन भी है तो इसके फाइव नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या है उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका कुछ जगह पे मिला है कि जो ये साइनोकोबेलेमाइन है आपका सिंथेटिक कंपाउंड है बट एक्चुअल में विटामिन बी ट्वेल्व में जो है वो ही इसको केमिकली बोलते हैं तो ये अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है या तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए या फिर इस क्वेश्चन को डिटेक्ट करना चाहिए क्योंकि कुछ जगह पे क्या है कुछ जगह पे क्या है बट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज हमारे जो दोनों ही राइट right आंसर बनते हैं तो इसको भी आप जो है वो ऑब्जेक्शन में लगा सकते हो इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एटी फोर नंबर क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक इन फ्रूट क्रॉप तो इसमें काफी बच्चों बच्चे जो थे वो क्वेश्चन क्रिएट कर रहे थे कि एचपीएससी ने जो है वो सनअप को सही किया है बट एक्चुअल में रेनबो सही बनती है बर अब हम इसकी बात करते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कौन सा है बट अगर हम वैसे तो पपाया की दोनों ही सनअप एज वेल एज रेनबो दोनों ही इसकी ट्रांसजेनिक वरायटीज हैं जो कि सक्सेसफुली ग्रो भी हो रही हैं बट अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो है वो सनअप वरायटी है और रेनबो जो है वो सनअप से ही डेवलप्ड हुई है क्योंकि सनअप वैरायटी जो थी वो रेड फ्लैश थी बट येलो फ्लैश की डिमांड मोर होने की वजह से इसको अगेन सनअप से जो है वो डेवलप किया गया और उस वैरायटी का नाम जो कि येलो फ्लैश बनी है उसका नाम जो है वो रेनबो वैरायटी है तो इसका मतलब सनअप पहले आई थी रेनबो वैरायटी बाद में आई थी इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो ये जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए था और यहाँ पे इसका सोर्स भी है जो की हवाई यूनिवर्सिटी के अंदर जिसने इसको डेवलप किया है दोनों की दोनों ट्रांसजेनिक वैरायटीज को वहां पे सारा का सारा मैंशन है कि किस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है कि जो सनअप वैरायटी थी उससे जो है वो गेन उसने आ, जो है वो रेनबो वरायटी को डेवलप किया हुआ तो ये बात लिखी हुई है इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते क्योंकि एचपीएससी का ये से बिल्कुल सही है ये जस्ट बच्चों की क्लैरिफिकेशन के लिए प्लस उनके डाउट को क्लियर करने के लिए जो था ये बताया गया था कि इसको आप गलत मत समझो बिल्कुल सही आंसर आपका है इसमें आपके जो सोर्से सभी बताए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं आपके ऑथेंटिक्स हैं और साथ में आपको जो है ऑब्जेक्शन लगानी है अगर आपने क्योंकि अभी तो आई थिंक इसका ऑब्जेक्शन नहीं चल रहा नेक्स्ट वीक से इसका पोर्टल ओपन होगा दोबारा से ऑब्जेक्शन के लिए तो उस टाइम पे आप इन सोर्सेज का यूज़ करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि सारे के सारे सोर्सेज जो है वो ऑथेंटिक भी हैं और आपको अपना जो है वो टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इनके सोर्सेस को ढूंढने में कि किसको कहाँ से ढूंढे प्लस कई बार आपको ऑथेंटिक मिल भी नहीं पाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा का सारा यहाँ पे बताया गया है तो इनको आप जो है वो यहाँ से जो है वो इसको कर सकते हो नेक्स्ट आपका है द लार्ज कार्डिमम इज प्रोपिगेटेड बाय लार्ज कार्डिमम को फॉलोइंग में से किसके थ्रू प्रॉपिगेट करती हैं सीड सकर कटिंग्स ऑल या फिर क्या है तो वैसे तो लार्ज कार्डिमम को दोनों ही मेथड सीड एज वेल एज सक्कर के थ्रू प्रोपिगेट किया जाता है बट एच ने इसका आंसर जो है वो सक्कर बताया है जो कि हम टोटली सही नहीं मान सकते क्योंकि या तो दोनों ही सही बनते हैं सीड और सक्कर या फिर सीड भी हमारा गलत नहीं बनेगा क्योंकि अगर हम हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात अगेन करते हैं इसके पार्ट टू की एट एट नंबर पेज पे वहां पर लिखा हुआ है कि लार्ज कार्डिमम को में लिखा हुआ है कि इसका जो सीड के द्वारा प्लांट्स रेज होते हैं एक तो वो लार्ज नंबर में सीडिंग डेवलप होती है दूसरा वायरस फ्री प्लांट भी आपके सीड के थ्रू ही रेज होती है जो की हमारा अगेन एक नेसेसरी ट्रेट है या करेक्टरिस्टिक ट्रेट है किसी भी प्लांट को प्रोपिगेट करने का या फिर रेज करने का तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हम इसमें ऑब्जेक्शन हंड्रेड परसेंट लगा सकते हैं क्योंकि एचपीएससी को या तो दोनों ऑप्शन ही सही करनी पड़ेगी या फिर सीड को भी गलत नहीं करना पड़ेगा तो ये आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन था जिसमें आप प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूफ लगा सकते हो हैंडबुक ऑफ हॉटिकल्चर का पार्ट टू पेज नंबर एट थर्टी के ऊपर जो है स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि इसकी प्रोपिगेशन दोनों ही मेथड्स के थ्रू होती है तो ओवरऑल ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्शन के अंदर आ रहे थे क्योंकि इसमें आंसर जो है वो टोटली गलत है बट एक दो मैंने आपको जो बताए हैं उसमें जस्ट उस उसमें हम ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते जैसे कि पीछे आपका जो अप वैरायटी वाला क्वेश्चन था पपाया का उसको जस्ट आप लोगों को क्लैरिफाई करने के लिए बताया गया था क्योंकि कुछ बच्चों के काफी डाउट्स आ रहे थे तो अब जितने भी आपके ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे प्लस या फिर अगर हम सल, उसका की की बात करते सेफरन की की बात करते करते हैं हैं ओरिजिन वाली क्वेश्चन वो भी ऑब्जेक्शन में नहीं आएगा क्योंकि उसका भी आपको बता दिया गया है या क्लैरिफाई कर दिया गया है कि उसका राइट right आंसर जो है वो क्या बनता है तो अब जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस आई थिंक नाइन टू टेन क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्शन के अंदर आ रहे हैं उन सभी की हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं साथ में आप सभी को यह भी बता दिया गया है कि कितने कितने जो है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं ऑथेंटिक वाला आप किस प्रकार से उसमें लगा सकते हो सारा का सारा आपका मैंशनड है यहाँ पे तो यहाँ से इन सोर्सेज को यूज़ करके आप जो है ऑब्जेक्शन इसकी क्रिएट कर सकते हैं होप फुली कि आप सभी का जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है एचपीएससी इसको प्रूव मान ले और इसको सही कर दे क्वेश्चन को तो काफ़ी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ से क्योंकि गलत को तो हम ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते हैं दूसरा कट ऑफ की आप सभी पूछ रहे हो कट ऑफ का क्या है तो कट ऑफ का डिपेंड करता है कि ये वाले जो बैक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो सही होते हैं या नहीं होते क्योंकि अगर ये क्वेश्चन नहीं सही होंगे तो कट ऑफ बहुत लो जाएगी क्योंकि अगर गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन कोई वो गलत कर रहे हैं तो फिर कट ऑफ क्या रह जाएगी फिर तो पेपर का कोई मतलब ही नहीं बनता बट अगर ये क्वेश्चन के आंसर सही हो जाते हैं एचपीएससी क्वेश्चन को इनमें जो है वो अमेंडमेंट्स कर देती है कि इनमें ये आंसर बाई मिस्टेक पहले गलत हो गए थे इसके बाद इनकी कुरेक्शन अगर कर दी जाती है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि इसकी कट ऑफ जो होगी वो फोर्टी टू फोर्टी फाइव के बीच में रहेगी जो कि अगेन एक प्रोडिक्शन है और इसको भी हम तभी मानेंगे जब हमारा एक्चुअल में रिजल्ट आएगा कि एक्चुअल में कितनी जाती है फिलहाल हम बोल सकते हैं कि मोर देन 40 या 45 के अराउंड ही रहेगी इससे ज्यादा जाने की उम्मीद शायद नहीं है क्योंकि एग्जाम का लेवल काफी अच्छा था प्लस इसमें काफी सही क्वेश्चनों को गलत भी किया गया है तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ इतनी तो नहीं जाएगी बट फिर भी एक एवरेज रेंज है या एस्टिमेट है या फिर इसकी प्रोडिक्शन प्रॉबिलिटी कुछ भी बोल सकते हैं बट एक्चुअल तभी पता चलेगी जब इसका रिजल्ट आएगा तो आई होप कि सभी का रिजल्ट अच्छा आए मोस्टली बच्चों की जिनकी प्रेपरेशन अच्छी थी उन्होंने काफी मेहनत की थी सभी का सिलेक्शन हो जाए और इसी प्रकार से फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू टू ऑल